नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स यानी कि गणित। समय आपको रहेगा इसमें 3 घंटा 15 मिनट। टोटल क्वेश्चन जो आएगा 138 क्वेश्चन रहेगा आपका। टोटल नंबर आपका जो है फुल मार्क्स 100 नंबर का। कुछ विद्यार्थियों के लिए जो है निर्देश है, पहला निर्देश है कैंडिडेट मस्ट इंटर हिज हर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर इन द ओएमआर आंसर शीट, यानी कि परीक्षार्थी ओएमआर शीट जो है उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। दूसरा है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी कि प्रश्न पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है 15 मिनट दिया जाएगा। यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड अ एवं खंड ब। यानी कि दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। खंड अ में आपको जो है 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि 100 क्वेश्चन में से आपको 50 का आंसर देना है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 का ही मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर आपको जो है मिलेगा। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए ओएमआर उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले यानी कि नीले पेन से या काले पेन से आप भर सकते हैं। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून इत्यादि ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रयोग आपको जो है नहीं करना है, अन्यथा रिजल्ट जो है आपका असामान्य हो जाएगा। खंड ब में आपको 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है। 30 प्रश्नों में से आपको जो है 15 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक है, यानी कि 15 प्रश्न का उत्तर देना है आपको, 1 प्रश्न का आपको 2 अंक मिलेगा। इनके अतिरिक्त इस खंड में 8 और भी प्रश्न है जिसको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना अनिवार्य है। प्रत्येक के लिए 5 अंक आपको मिलेगा। मैथ के कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। इसमें देखिए पाई क्या है। पाई एक अपरमेय संख्या है कि परमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है या इनमें से कोई नहीं। पाई जो है एक अपरमेय संख्या है। दूसरा सवाल है इनमें से कौन अपरमेय संख्या है, इसमें से अपरमेय संख्या कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ जो हमारा रूट सात है ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और रूट दो में गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये √3/√12 है तो ये आप 3 और 12 को आप लिख सकते हैं 3×4, तो 4 रूट से बाहर हो जाएगा और √3 से रूट कट जाएगा। यहाँ बचा आपका √2 और 2/10 है और रूट में है, तो यहाँ √2 ऊपर और √10 यानी कि ये जो है आपको रूट में रहेगा, तो जो रूट में रहता है वो आपका अपरमेय संख्या कहलाता है। यहाँ पे आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको जो है पूरा 100 का 100 क्वेश्चन सेट जो है हम आपको लाइव बताएंगे। इसलिए दोस्तों आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। पूरे सेट आपको जो है मॉडल सेट आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।